हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज अनबॉक्सिंग ला रहा हूं मी कलर वॉच। जी हां, मी कलर वॉच आ गई है मेरे पास, काफ़ी बढ़िया लगी। 8000 में लॉन्च हुई है चाइना में। वॉच बढ़िया है, डिफरेंट स्टाइल की है। अभी रिसेंटली इन्होंने नवंबर में एक नई लॉन्च की थी मी वॉच, जो काफ़ी एप्पल की तरह थी। ये वाली, ये भी मेरे पास है, मैं कंपेरिजन करूँगा कौन सी लेनी चाहिए जल्दी ही। तो ये वॉच मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। सर्कुलर है, अमेज़फिट, अगर आपने अमेज़फिट स्ट्रॉस अगर यूज़ की है तो आपको ये काफ़ी वैसी लगेगी। काफ़ी लुक बढ़िया है, देखने में बढ़िया है। एमोलेड पैनल यूज़, 454x454 का रेजोल्यूशन है। कंपनी कहती है ये 2 हफ्ते का इसका बैटरी बैकअप है। 420 mAh की बैटरी है, तो देखते हैं कितना लंबा इसकी बैटरी होगी। मैं जल्दी करूँगा इसका रिव्यू, कम्प्लीट रिव्यू, और बताऊँगा कितनी बढ़िया है। तो अभी ये सिर्फ चाइना में लॉन्च हुई है, इंटरनेशनली नहीं आई, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप बाय करना चाहते हैं, या फिर आप गियर बेस्ट और बैंकवुड में देख सकते हैं, मे बी आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस वॉच में क्या है खास। तो ये रही हमारी शाओमी की दोनों वॉचेस, मी वॉच और मी कलर वॉच। तो काफ़ी डिफरेंट है, आप देख सकते हैं बॉक्सेस भी काफ़ी डिफरेंट है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मी कलर वॉच की, क्योंकि यह है लेटेस्ट वॉच शाओमी की तरफ से। तो इसमें पढ़ सकते हैं आप, इसमें 5 ATM स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, हार्ट रेट, NFC, बैटरी 14 दिनों का, और शाओमी का AI सपोर्ट मिलेगा। साथ में इसमें एमोलेड पैनल मिलेगा 1.39 इंच की सर्कुलर डिस्प्ले के साथ। 420 mAh की बैटरी है, जो कंपनी कहती है 14 दिन ईजिली काम कर सकती है। तो मैं एक टेस्ट करूंगा जल्दी ही, देखेंगे बैटरी बैकअप कैसा है। साथ में इसमें मिलेगा स्क्रीन रेजोल्यूशन 454x454। तो ओपन करते हैं हमारी वॉच को और देखते हैं कैसी है ये वॉच। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 8000 नॉट बैड फॉर अ स्मार्ट वॉच। तो यहाँ हमारी खुल गई है, काफ़ी सिमिलर है बॉक्स इसे मी वॉच का। मैंने मी वॉच पहले भी नवंबर में भी अनबॉक्सिंग की थी, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल वो कम्प्लीटली चाइनीज़ में है। तो यहाँ हमारी आई वॉच, तो बढ़िया लग रही है देखने में, सर्कुलर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देख लेते हैं बॉक्स में हमें और क्या मिलेगा। यहाँ हमें मिलेगा इसका चार्जिंग केबल और पोर्ट। तो ये चार्जर है 2.5 वॉट का, जी हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर वॉच में इतने ही होते हैं तो ठीक है। बाकी मैं एक चार्जिंग टेस्ट दिखाऊंगा जब ये पूरी ड्रेन हो जाएगी। तो 1.3 इंच की सर्कुलर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। स्ट्रैप आप इसके चेंज कर सकते हैं इजीली, शाओमी भी सेल कर रहा है वो। एक स्ट्रैप की कॉस्ट नहीं, अबाउट 70 युआन, ये अबाउट 700 रुपीज़ रखिए। थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर ठीक है भाई, आप कलरफुल बना सकते हैं। 580 वाटर रेसिस्टेंट, तो जी आप वाटर रेसिस्टेंट है ये वॉच, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। यहाँ पर आपको हर्ट रेट मिलेगा, मी का लोगो है, 2 पिंस मिलेंगे यहाँ पर, जो देखने में बढ़िया लग रहे हैं। काफ़ी मुझे अमेज़फिट स्ट्रॉस जैसी फीलिंग आ रही थी। इस वॉच में आपको कोई भी ESIM सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे हमारे पहली मी वॉच में था। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस लगा मुझे, इसमें ESIM सपोर्ट नहीं है। तो हम QR कोड स्कैन करेंगे और यहाँ हमारा ऐप आ गया। तो जी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने डिवाइस के साथ। 2 वॉचेस दिखा रहे हैं, मी कलर और मी वॉच। तो मैंने मी कलर वॉच कनेक्ट करता हूं और देखता हूं कैसी है। मुझे बढ़िया इसलिए लग रही है क्योंकि 8000 में आपको बहुत फीचर्स मिल रहे हैं। वैसे शाओमी कह रही है ये कि जो मी बैंड था उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है ये, क्योंकि ये सिर्फ ब्लूटूथ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ESIM सपोर्ट नहीं करेगा, मोबाइल डाटा सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक अपडेट आया है, पहले अपडेट कर लेते हैं। और साथ में आपको इसमें वॉच फेसेस बहुत ज़्यादा शाओमी ने प्रोवाइड की हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं या आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, जो चेंजेबल होंगे। काफ़ी ज़्यादा दिए हैं कंपनी ने, तो वैसे कहा था 1540 वॉच फेसेस मिलेंगे आपको, मगर मैंने काउंट नहीं किया कितने, मगर काफ़ी ज़्यादा हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम कुछ ट्राई भी कर लेते हैं और देखते हैं जो बढ़िया है सबसे। तो कौन सा ट्राई करें, ये ट्राई करके देखते हैं। वाओ, तो स्मार्ट वॉच का ये होता है कि काफ़ी बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं, आप चेंज कर सकते हो और फीलिंग आती है कि भाई हर रोज़ हमने एक नई वॉच पहनी। अगर आप हर रोज़ अगर आप चेंज करो फेसेस इसके, तो मुझे इस वॉच का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा ये इंग्लिश में नहीं है। जी हाँ, आप ऐप भी देख सकते हैं, काफ़ी चाइनीज़ में दिख रहा है, इंग्लिश में भी है मगर मोस्टली चाइनीज़ में है। तो इस वॉच की आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। तो मैं प्रेफर करूँगा, लोगों को सजेस्ट करूँगा, अभी आप जल्दी मत कीजिए वॉच बाय करने के लिए, वेट कीजिए जब तक इसका ग्लोबल वर्जन नहीं आता, या आप मी वॉच की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उसमें मिलेगा आपको इंग्लिश की ऑप्शन। तो ये है इसके अलीपे की ऑप्शन, यहाँ पर जैसे इंडिया में पेटीएम होता है, और ये आपका ट्रैक टेम्परेचर। तो काफ़ी फीचर्स हैं, स्पोर्ट्स वॉच है, 10 स्पोर्ट्स मिलेंगे इसमें आपको, 10 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे आपको,
और हर्ट रेट मिलेगा, हर्ट रेट 24 आवर्स, आप एक बार पहन लेंगे तो आपको 24 आवर्स का हर्ट रेट प्रोवाइड करेगा, जो काफ़ी बढ़िया है। तो ये मेरी नूपिया अल्फ़ा वॉच, काफ़ी बढ़िया लगती है मुझे ये वॉच। तो हम हर्ट रेट देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा इसका 24 आवर्स हर्ट रेट रेगुलर होगा, जैसे रेगुलरली चलता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। वो नहीं अगर आपने एक बार कर दिया उसके बाद 6 घंटे बाद या 4 घंटे बाद होता है, यहाँ आपको मैसेज की नोटिफिकेशन आएगी, जो भी आएंगे कॉल रिसीव नहीं कर सकते हैं इसमें, जैसे मी वॉच में था। और हमें यहाँ टॉर्च मिलेगी, ये बढ़िया चीज़ है। लॉक, इसका लॉक मुझे खोलने में बहुत टाइम लगा, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि इवन चाइनीज़ वेरिएंट है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आती है। तो हम ये जो सेकंड पिन है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये लॉक खुलता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप वेट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि चाइनीज़ आपको हमेशा समझ नहीं आएगी। तो ये काफ़ी फीचर्स लग रहे हैं, देख सकते हैं, जहाँ पर ये आपको ट्रैक, आपका डाटा ट्रैक करेगा स्पोर्ट्स मोड का, आप स्लीप टाइम, हर्ट रेट, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर भी आपका स्लीप टाइम का है, ये आपका नॉर्मल डेज का है, ये शावा तोमशे वाईफाई, तो अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया अपने ऐप्स के साथ, और अलीपे, स्टॉपवॉच, टेम्परेचर। तो अब लास्ट में हम देखते हैं इसकी सेटिंग। तो जैसे मैंने कहा ये वॉच चाइनीज़ वेरिएंट है तो आपको सेटिंग भी चाइनीज़ में ही मिलेगी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो फर्स्ट में मिलेगा आपको इसका फेस वॉच, जी हाँ, अगर आप वॉच का फेस चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन से और ईजिली चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने कुछ डाउनलोड्स किए हैं तो मैं कहूँ ये मी वॉच वाला बढ़िया लगा। नेक्स्ट मिलेगा आपको इसकी ब्राइटनेस सेटिंग, जी हाँ, ऑटो ब्राइटनेस मैंने कर दी है कि ज़्यादा भी बैटरी कंज्यूम ना करे। उसके बाद हमें मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब, यह है कि अगर आप वॉच को देखते हैं तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। यहाँ पर मिलेगा इवेंट मैनेजमेंट, ब्लूटूथ, लास्ट में है हमारा अगर आपने स्विच ऑफ करनी है, रिस्टार्ट करनी है वॉच। तो यह है इसकी स्मार्ट वॉच, 10 गेमिंग मोड्स मिलेंगे जिसमें आप स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे जिसमें आप स्विमिंग, रनिंग, हेल्थ, आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स फिटिक हैं और अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो लुक वाइज, प्राइस वाइज मेरे हिसाब से वर्थ है, नॉट बैड। मैं आपको मी वॉच के साथ भी कंपेयर करूंगा, उसकी कॉस्टिंग अबाउट 13,000 प्लस है और ये है 8,000 की, देखेंगे कितना डिफरेंस है इन दोनों वॉच में। और आपको अगर स्मार्ट वॉच लेनी है वो भी शाओमी की, तो कौन सी लेनी चाहिए। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ जानना चाहते हैं इस वॉच के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।